आज हम पहुंच चुके हैं जी कराची कदास मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर, और आज हम आपको दिखाएंगे मज़ार कैद के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। जो लोग कराची में ऑलरेडी मौजूद हैं उन्होंने तो मज़ार कैद देखा हुआ है, और आए हो जो लोग नहीं आए वो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मज़ार कैद पर पहुंचे और देखें। ये हमारे बानी है, बानी पाकिस्तान है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही जदोजहद की, दुनिया से लड़े, हमें आज का दिन की जो आज़ादी का नसीब हुआ है इन्हीं की बदौलत हुआ है। मैं जो कराची में लोग हैं वो तो ऑलरेडी आए हुए, लेकिन जो लोग नहीं आए हुए उनसे भी गुजारिश करता हूँ वो यहाँ पर आएँ और बातें भी करें और मज़ार कैद के तरफ जो चीज़ें हैं उनको भी विज़िट करें। और जो लोग कराची से बाहर हैं, जो लोग कराची में नहीं आए जिन्होंने आना है, तो वो प्लीज़ आधार कार्ड ली यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं मज़ार कैद पर और हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पहुंच चुके हैं मज़ार कैद पर, लेकिन आज हमारी किस्मत के साथ बिल्कुल मिल दिया और ना तो आपको दिखाने का मौका दिया। ये है कि मज़ार के अंदर इस वक्त जो है वो लेबर कुछ काम कर रही है, और जिस सिलसिले में वो इस वक्त आज मज़ार जो बंद है, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो नीचे हैं और ऊपर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर रस्सा बांधा हुआ है और रस्से के ज़रिए लोगों को रोका हुआ है, आप देख सकते हैं, और यह कि रस्से के ज़रिए लोगों को रोका, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन हम आगे जाते हैं थोड़ा, वहाँ पर आपको व्यू दिखाएंगे जहाँ पर बनी पाकिस्तान के आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ ज़रूरत इस्तेमाल जो चीज़ें हैं लाइफ की, ज़िंदगी की, उनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन आज ये फ़िलहाल बंद है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो जी फाइनली